अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लगफजल गम से मैं भी खैरियत से हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सियालकोट हेडमराला की ये नहर है, मतलब ये वो नहर है मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस वक्त। ये वो नहर है जो किसी वक्त में बिल्कुल मतलब किसी वक्त में ये बिल्कुल सूखी पड़ी होती है, और इस वक्त ये बारिशों की वजह से जब बारिशें आ रही हैं और कुछ पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि उस वजह से ये फुल जा रही है। और इसमें आप देख सकते हैं पानी का बहाव भी कितना ज़्यादा है। और ये आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि हेडमराला पे इसका क्या हो रहा है और क्या उसका मतलब बारिशों का पानी किस तरह से एक साइड को छोड़ा जा रहा है या दूसरी साइड पे। और मैंने काफ़ी देर के बाद इस नहर को मतलब कह लो कि 2 साल बाद इस नहर को फुल देखा है, और उसके बाद उससे पहले ये बिल्कुल खुश्क रही, और अब देख सकते हैं आप बिल्कुल पीछे इस वक्त ये फुल नहर हुई है। तो आपको मैं आगे लेके चलता हूँ मराला वाली साइड पे। इस वक्त ये देखें मेरी साइड पे मराला रोड है और ये नहर के ऊपर मैं खड़ा हूँ। मतलब ये वो पुल है जो 100 साल से ज़ायद ज़र तमीर हो रहा है, और इसके ऊपर मतलब लोगों ने रास्ता बनाया हुआ अपना गुजरने का। ये देखें पीछे ये रास्ता है गुजरने का, मतलब इस साइड से उस साइड को। ये इस वक्त आपको दिखा दूँ ये नहर है और ये साथ मराला रोड है। मराला रोड पर आपको लेके जा रहे हैं, मैं आपको साथ दिखा देता हूँ उसका। इस साइड पे आप बहाव देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बहाव है। पानी की स्पीड चेक कर लें आप, ये स्पीड से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कितनी स्पीड है। मतलब ये उस साइड पे देखें आप तो मतलब ये वो आपको नज़र आ रहा है, उधर कभी वो ऐसे रास्ता था जहाँ पे बंदे जाके मतलब गुजर के बैठ के वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं आप। ये पानी के साथ बहाव के साथ फुल हो चुका है। ये देखें एक फैमिली मेरे पीछे खड़ी है, ये काफ़ी देर से मैं देख रहा था ये यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। मतलब मौसम इतना वेदर इतना कमाल का है कि ये लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, तो मैं आपको इनके साथ शेयर करता हूँ मतलब क्या कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, कब से आप यहाँ पे खड़े हैं, क्या फील कर रहे हैं यहाँ पे मौसम? मतलब घंटा आधा पौना घंटा हो गया ये अपने बच्चों के साथ हैं, ये आप पीछे देख लें बच्चे इनके साथ हैं और ये बच्चों के साथ अपना यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, और करना भी चाहिए मतलब। अच्छा भाई पानी का खूब इंजॉय कर रहे हैं, कह रहे हैं जी माहौल बहुत ही अच्छा बना है। तो मतलब हमारे ब्लॉग के साथ मैं आपको दिखा देती खास हुई है मेरे पीछे, आप इस वक्त देख सकते हैं कि कितना रश है, मतलब लोग घरों से निकले हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी आज का ब्लॉग आप सबके साथ शेयर करता हूँ, बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ मतलब सियालकोट ये हेडमराला। आप जिस पुल पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये पुल 100 साल से पुराना पुल है, मतलब इसकी एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमारे हुक्मरान इसके ऊपर कोई एक्शन कोई
एक्शन नहीं कर रहे, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और ये पीछे आप देख रहे हैं पानी का बहाव, आप चेक कर सकते हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा है और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और अपने फैमिलीज के साथ शेयर किया करें। अगला बंदा यार इतनी मेहनत के साथ एक ब्लॉग बनाता है और आप लोग उसको सब्सक्राइब नहीं अगर करते तो ये बहुत गलत बात है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुँच सके। और इसी तरह नेक्स्ट आपके साथ मैं अपने ब्लॉग शेयर करता रहूँगा। और इस वक्त मैं जा रहा हूँ वापस, आप मेरे पीछे चेक कर लें कि कितनी मतलब लोग इंजॉय कर रहे हैं, मौसम अच्छा वेदर है तो इसलिए इंजॉय कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।